आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पिछले कुछ महीनों में पूरे देश के विभिन्न रेल क्षेत्रों में कई रेल दुर्घटनाएं हुईं। हमें नहीं लगता कि इसमें सरकार या संबंधित मंत्री इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। फिलहाल यह जांच का विषय है, दुर्घटनाएं किन वजहों से हुईं। ठीक इसी तरह अभी हाल ही में उड़ीसा प्रांत में एक ही रेल ट्रैक पर दो लोकल ट्रेनों का आमने सामने से आना और समय रहते सचेत लोको पायलट्स ने अपनी अपनी ट्रेनों को रोक दिया। जिससे होने वाला एक बड़ा हादसा तो रुक गया। बड़ा हादसा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि लोकल ट्रेनों में सवारियों की भरमार होती है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो भारतीय रेल ने अपनी उपलब्धियों के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चौतरफा आधुनिक इंजनों, डब्बों और रेल लाइनों की बढ़ोतरी हुई है। ट्रेनों की संख्या और निरंतरता बढ़ी है। तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण हुआ है। बावजूद इसके होने वाली दुर्घटनाएं और ऐसी लापरवाहियां चिंता का विषय है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो में देखा होगा, एक ही ट्रैक पर चार चार ट्रेनें रेंग रही थी। बदलते भारत के इस दौर में क्या यह चिंता का विषय नहीं है? अब आइए आपको एक और सच दिखाते हैं। बनारस से चली एक वंदे भारत ट्रेन पिछले दिनों कुछ दूर जाकर इंजन में तकनीकी खराबी के कारण रुक गई और इंजन इस कदर खराब था कि चार घंटे तक उसे बनाया नहीं जा सका। चार घंटे बाद एक पुराना इंजन मौके पर पहुंचकर उस ट्रेन को इंजन समेत खींचकर उसके गंतव्य तक पहुंचा दिया। यह गंभीर विषय है। किसी सरकार, नेता या मंत्री को दोष देने से बेहतर होगा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिराई जाए। बने रहें अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।